देवियर सजनों, क्या आप तैयार हैं? ओके, सब तैयार ही रहिएगा, ठीक है ना? तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको याद है? नहीं याद है? भाई याद तो होना चाहिए, ये सब गलत बात है जो याद नहीं रखते आप, ठीक है ना? ओके, आप तैयार रखिएगा, ट्यूजडे से आपका क्लास जो है टाइम बढ़ने वाला है, ध्यान रखिएगा 4:45 से, है ना? ये बताइए लास्ट क्वेश्चन, बताएंगे आप लास्ट क्वेश्चन? ओके, बच्चा वाला है ना, छठा बच्चा के। अभी आपको एक बच्चा वाला क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है? वो भी छोटा बच्चा वाला, यहां देखें। जरा देखना, ये करवा तो नहीं दिया है? आप तैयार हैं सब लोग? ये करवाया था क्या? x प्लस बी वाई इजकल टू 6, ए वाई माइनस बी एक्स इजकल टू 8 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज गिवेन, कुछ दिया रहेगा, ठीक है ना? जैसे हमने 5 लिखा तो आंसर आ जाएगा 20। आंसर आगे कैसे आता है? बहुत लोगों आ चुका है, आपका भी आएगा। देवी और सजनों, क्या आप लिख चुके हैं क्वेश्चन? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज्ञा भाई, बंधुजन, आज्ञा, ठीक है। छाप लिए सब लोग। देखिए इसको कैसे हम लोग देखते हैं, उड़ाते हैं, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए, पहले आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको इजी लगेगा ये, ठीक है ना? तो डरिएगा मत, पहले नहीं डरना, ठीक है? ओके ना, ठीक है। अच्छा, आपको लगा ये सब सिंगल सिंगल है, यहाँ पावर डबल डबल है, ऐसा लगा? ये सब क्या है? सिंगल सिंगल है, पावर डबल डबल है, इधर डबल डबल, ये स्क्वायर स्क्वायर कैसे आएगा? हमको लगा कि इनका स्क्वायर करेंगे तभी ये स्क्वायर स्क्वायर आ सकता है, यहाँ पावर सिंगल सिंगल है, पूछा डबल डबल है, समझ मारा सबको ना? दिया सिंगल है, पूछा डबल डबल में है, ठीक है? तो सिंगल से डबल कैसे बनता है? तो स्क्वायर करके कैसे बनता बंधुजन? स्क्वायर करके कैसे बनता भाई? स्क्वायर करके, है ना? तो हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना? इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, समझ मारा सबको? आइए मैं इसका स्क्वायर करके दिखाता हूं, आराम से देखिएगा, ठीक है ना? ए एक्स प्लस बी भाई, एक सेकेंड में इसका आंसर आप देंगे, लेकिन बस थोड़ा सा रुक जाइए। ए बाई प्लस माइनस है ना बी एक्स, इधर में 6 का स्क्वायर, इधर में 8 का स्क्वायर। हमने क्या किया कि लेफ्ट वालों को लेफ्ट वाले का स्क्वायर करके जोड़ दिया, और राइट वाले को राइट वाले का स्क्वायर करके जोड़ दिया, ठीक है ना? बाएं वाले को बाएं वाले के साथ और दाएं वाले को दाएं वाले के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आ रहा है? वेरी वेरी, बहुत अच्छा, वेरी गुड भाई साहब। दोनों का स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया। हमने ऐसा क्यों सोचा? यही देख कर, क्वेश्चन को देख करके, इधर एक एक पावर दिया और यहाँ स्क्वायर स्क्वायर दिया है, ठीक है ना? तो हमको लगा ये कैसे आएगा, तो स्क्वायर करने से ही पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? स्क्वायर करने से ही पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है कि वर्ग करेंगे तभी ये आ सकता है, ठीक है भाई? आप समझ पा रहे हैं ना? ओके, तो सॉल्व किया जाए। देखिए ये आएगा ए स्क्वायर, ये पूरे को ए समझो, ये पूरे का स्क्वायर ए स्क्वायर,
प्लस बी स्क्वायर, ये पूरे को बी स्क्वायर समझो, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आएगा, क्या आएगा, प्लस टू ए बी। तो ए बी में क्या क्या आएगा, ए आएगा, एक्स आएगा, बी आएगा, वाई आएगा, तो टू ए बी एक्स वाई, है ना, यही ना आएगा, टू आएगा, ए आएगा, बी आएगा, एक्स आएगा, वाई है, सब आएगा ना, सबको लिखेंगे ना यहाँ पर, तो ए बी एक्स वाई यही ना आएगा, उसको हम सजा दिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसका होल स्क्वायर करना, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा, माइनस टू ए बी, यहां भी ए बी में क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो यहां से आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहां से आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा सबको ना, क्या होगा, प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, हाँ या ना। ओके, आप सभी समझ रहे हैं ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तकलीफ। ओके, वेरी वेरी गुड। तो ऐसे करके हम इसको नहीं लिखेंगे, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, आप अगले बार से समझ जाएंगे ना, कि यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एनी प्रॉब्लम। और इधर में 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में रखो, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक, इन दोनों को साथ में रखो, क्या करो, इन दोनों को साथ में रखो और ए स्क्वायर कॉमन ले लो, हम डायरेक्ट लिख दूं, समझ में आएगा ना, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों में से, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, कौन कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर में क्या हो गया, 100, कितना हो गया, 100, समझ में आ रहा सबको ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ये 100 हो गया, 100 हो गया, किसी को दिक्कत है, किसी को तकलीफ है, बताइए ना, है क्या, नो। अच्छा, ये कदम हम क्यों उठाए मालूम, क्योंकि दोनों में ये कॉमन आ गया, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पोर्शन, ये देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना, दोनों में से ये कॉमन आ गया, ठीक, और यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां क्या है, 100। तो आपने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 5 दिया है, क्या दिया है, 5, तो हम इसके बदले में 5 लिख देंगे, है ना, हमको निकालना है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना, तो यहाँ 5 से भाग दो, 20 बचे 100, तो यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, 20, हाँ या ना, तो ऐसे करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 20 हो गया। क्या आप 1% समझे, अब आपको जल्दी में बनाना कैसे ये सिखाता हूँ। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो दो फैक्टर्स बनेंगे, क्या बनेंगे, दो फैक्टर्स, एक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होगा और दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होगा। यदि एक फैक्टर देगा तो दूसरा पूछेगा, दूसरा देगा तो पहला पूछेगा, यही हेरा फेरी होगा ना, तो हम कभी जिंदगी में इसको नहीं बनाएंगे, जब इसका दो फैक्टर बनेगा ही, हमने बना कर देख लिया, एक्सपीरियंस नाम की कुछ चीज होती है, वो हो चुका है, तो हम क्यों ना दोनों का सीधे स्क्वायर करें, सीधे दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे, एक ये फैक्टर आएगा, एक ये फैक्टर, जब ये फैक्टर 5 दिया ही है तो दूसरा फैक्टर पूछा तो 100/5 डायरेक्ट मारेंगे, 20 आंसर, 20 आंसर होंगे, क्या बनाएंगे बैठ के,
बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, उड़ा देंगे हम लोग, बनाएंगे नहीं। समझ में आया भाई? तो सीधे दोनों का स्क्वायर करके ढाई सा भाग दे देंगे। ठीक बंधुजन, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत है? नो? ओके, समझ रहे हैं ना? तो चुपके से हम दोनों का स्क्वायर का सम निकाल लेंगे, ठीक है ना? क्या करेंगे? चुपके से, हाँ, दोनों का स्क्वायर का सम, ठीक है ना? और कभी ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा, तो दोनों का ही प्रोडक्ट है, एक देगा दूसरा पूछेगा, एक देगा दूसरा पूछेगा। हम लोग तैयार हैं हर तरीके से, क्या बना सकते हैं? अरे बोलो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं देता हूं, उड़ा देंगे ना सब, दे दू भाई। तो इसी बात पे एक ले लो, एक मिनट भाई साहब, तैयार, दे दू आराम आराम से। यहां देखो, ये 9 है, ये 6 है, और ये रहा, अभी नहीं दे रहा, ठीक है ना? तो दे दू, सब तैयार हैं? पक्का? सचमुच? ठीक है, क्या दे दू, है ना? तेरा नहीं दूंगा, ठीक है ना? चलो इसका हमने कुछ लिख दिया, 9 लिख दिया। आंसर तेरा आ गया, आंसर तेरा आ गया। तेरा क्या आया? तेरा तेरा ही आया, ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा आ गया ना। वेरी गुड, ओके भाई, नहीं आया? ऐसे क्या देख रहे, इसमें बनाने का क्या जरूरत है? उड़ा दो धाई धाई ऐसे, ठीक। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 9, ये हो गया 81, और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ना जरा, 100, 113 नंबर, 117 आंसर आ गया। समझ में आया भाई? आप समझ पा रहे हैं ना? क्या आपको तकलीफ है? नहीं, तकलीफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तकलीफ फ्री होना चाहिए। ए भाई साहब, दे रहा हूं इधर, दे रहा, तैयार, ठीक है, 20, 40, 20 पर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और निकालने कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत होगा? अरे दो फैक्टर बनता है, चाहे कोई दे दो, चाहिए दो चाहिए दो, दोनों में से कोई भी निकाल देंगे, हाँ या ना, निकाल देंगे ना? तो दे दू बंधुजन, कृपया ध्यान दीजिएगा, हम जैसी देंगे आप उड़ा दीजिएगा, ठीक। यह है 100, हम कहाँ बोल रहे हैं, ठीक है ना? क्या इसका आंसर 20 है? ओके, कोई दिमाग तो नहीं लगा रहा है बंधुजन? क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, ओके। आ गया, तो आपने क्या देखना जरा, ऐसे ही क्या था मेरे जैसा, देखो तो ऐसा आपने भी ऐसे ही डिवाइड किया था, 1600 और 400, 2000, क्या आपने ऐसे ही 2 0 काट दिया था और ऐसे ही आंसर आ गया? सही उत्तर, वेरी वेरी गुड। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? मिटा दूं? ओके, इजी है ना?
कभी जिंदगी में बनाएंगे इसको कभी, तो क्या करेंगे? उड़ाना होता है, सब कुछ नहीं बनाना होता है। ठीक, ओके, दे दूं नेक्स्ट। देखिएगा, बातें नहीं कीजिएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या था भाई ये? एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। क्या देता हूं? छोटा सा। तैयार? ए पावर फोर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर फोर इज इक्वल टू एट। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। फाइंड करना है ए बी। ए बी बोले तो अमिताभ बच्चन, ठीक है ना? जल्दी निकालिए। आपने प्रश्न लिख लिया? हाँ, अच्छा किया लिख लिया। तो क्या सबने छाप लिया? हो, आप फीलिंग कीजिए देखकर, हो रहा है नहीं हो रहा? मैं कराता हूं। यहां देखो, यहां देखिए बंधुजन, यहां देखेंगे, इसको देखिए फिर इसको देखिए। अब बताइए क्या फीलिंग हुआ? यस, कुछ लोग को सही फीलिंग हो रहा है, इसे कहते हैं फीलिंग। इसे देखो, ये दो पावर है तो इधर चार पावर है, इधर एक पावर है तो यहां दो पावर है। क्या ये पावर डबल डबल है? क्या ये पावर डबल डबल है? हाँ या ना? ओके, तो ये पावर डबल डबल सचमुच का है, ठीक है ना? पावर क्या है? डबल डबल सचमुच का है, ठीक है ना? यस, पावर डबल का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। अभी पावर कहीं डबल हो रहा है ऐसा संदेह मन में विचारधाराएं उत्पन्न हो रही है, समझो किसी न किसी का वो स्क्वायर हो रहा है, ठीक? तो हमको ऐसे मन में विचार आया कि यदि कहीं इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो ये भाई जी आ जाएंगे ना। और यहां जो टू ए बी बचेगा तो उसमें से एक ए बी निकल जाएगा, एक ए बी यहां से आंसर आ जाएगा। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि इसका स्क्वायर करने पर ये आने वाला है। आपको ऐसा लग रहा है क्या? जो हमें अनुभूति हो रहा है आपको भी हो रहा है? अच्छा, अगले बार आपको भी होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? आप एक बार हमें देखें सिर्फ, अगले बार आपको अनुभूति होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर फोर माइनस ए बी। हम इसको उधर ले गए क्यों? छोटा बनाने के लिए, क्योंकि जिससे हम स्क्वायरिंग बड़ा ही प्रेम पूर्वक कर सके, ठीक है ना? ओके भाई, समझ में आ रहा है ना? तो हमने क्या कर दिया, ए बी को उधर लेके चले गए, फोर माइनस ए बी। समझ में आ गया ना? ए बी क्या किया मैंने? उधर लेके चला गया, ठीक। और हम यहां स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं। सब देखिएगा गौर से, प्लीज गौर से देखिएगा। बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा कि नहीं? बताओ, होगा कि नहीं? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बंधुजन, क्या आप समझ पा रहे हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्लियर है ना भाई? कुछ सोच तो नहीं रहे हो? हाँ, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। यहाँ देखो, फिर यह है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका है? ए माइनस बी का होल। करो 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 करो, ए स्क्वायर, हाँ हाँ सही बोला, प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। कोई दिक्कत तो नहीं? आप सभी समझ पा रहे हैं ना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एनी प्रॉब्लम? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एनी प्रॉब्लम? नो? ओके, अब आपको कैसी अनुभूति हो रही है? बढ़िया, ओके तो ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहां दो बार है, एक बार जाके माइनस कर दीजिए। कर दूं? ये टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, हाँ या ना? नहीं समझे? ये टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, एक जाके माइनस तो एक बचेगा ना, हाँ या ना बोलो? अब इसका वहां कोने में देखो, क्या इसी का वैल्यू आठ दिया है? यस और नो?
यस ना, ये जाके हम माइनस करेंगे, दो में से एक गया तो एक बचेगा, अब इसी का वैल्यू 8 हो जाएगा। ये 16 को अभी उधर ले चलता हूँ, ले चलो 16 को उधर, इधर +16 है ना, उधर ले जाएंगे तो -16, इधर +16 है ना, उधर जाके -16, इधर क्या बचेगा, -8ab, क्या बचेगा, -8ab, क्या बचेगा, यस -8ab। भाई साहब बंधु जी देखिए एक मिनट, ये बचेगा -8ab। सबको समझ में आ रहा है हम ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम चल गया है इसका राज कि यहाँ पर इसका वैल्यू 8 है। a^4 b^4 a^2 b^2, a^4 b^4 a^2 b^2, वैल्यू क्या है 8 है, समझ में आ रहा है भाई। तो इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू 16 है, और हम माइनस का 8ab है। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ समझने के लिए, समझने के बाद हम लोग खुद ही कुछ स्टेप छोड़ देंगे तो आपका और भी इजी हो सकता है। हम तो पहले को समझाते हैं ना, समझाना काम है ना, तो समझाते हैं तो ज़्यादा लिखते हैं, और आप जब बनाएंगे सीखने के बाद तो स्टेप अपने आप छोड़ देंगे और छोटा हो जाएगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, कितना बड़ा है, इतना बड़ा नहीं है, है ना। यहाँ देखो माइनस करो कितना है, -8, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, अमिताभ बच्चन कट के, ab चलो कितना आ गया 1, तो ab का वैल्यू कितना आ गया 1। बंधु जन सबको समझ में आया, देवी सजनू क्या आप समझ पाए, क्या आपको मतलब हार्ड सा लगा, हार्ड सा नहीं ना, इजी है ना, बनाने के बाद इजी लगा ना, कि एकदम सब कुछ फीलिंग होने लगा स्टेप बाय स्टेप, ओ माय गॉड फीलिंग हो गया है ना। वही बात है कि उधर ले गया फिर स्क्वायरिंग किया, जय हनुमान आ गया, समझ में आया। क्या आप ऐसा बना सकते हैं, हम आपको एक ऐसा ही देते हैं ठीक है, और बनाइएगा नहीं तो हम बोर्ड बुला लेंगे ठीक है ना। दू आप प्रयास कर सकते हैं सचमुच का, ओके तो हम दे ही देता हूं मैं आपको ठीक। देखिए सब कुछ वही है, बस मुखड़े चेंज हो गए, यहां का 15 और यहां का मुखड़े हो गया 5। प्लीज ये प्रश्न दे दिया मैंने, जनहित में जारी है, जल्दी फटाफट से जल्दी बनाइए। हाँ जो भी दिया है लाओ, बिल्कुल फास्ट बिल्कुल फास्ट बिल्कुल फास्ट, जल्दी भाई बंधु जी फटाफट। देवी और सजनों क्या आ गया, क्या आंसर है, क्या सचमुच का इसका आंसर 1 है, ओके 1 आ गया ठीक है, तब तो ठीक है ठीक है ठीक है आ गया भाई। कोई पूछना चाहते हैं, इतना देर नहीं लगाते हैं एकदम नहीं, कोई पूछना चाहते हैं तो बता दो, कोई है चाहते हैं, चलो मैं बताता हूँ, जो नहीं भी चाहते हैं फिर मैं बता देता हूँ। देखो वही सेम प्रोसेस, इसमें मैं डेंट पेंट कर देता हूँ ठीक है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 5 - ab, अब होल स्क्वायर करो क्या आएगा, इधर तो आएगा a^2 b^2 2ab, इधर आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये होगा a^2 और 2ab, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2ab में क्या आ जाएगा 5। अब बस यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ये जो 25 है इधर आके -25, और यहाँ 5 दूनी कितना हो जाएगा 10ab है ना। अच्छा इसका वैल्यू कितना दिया है, देखो उधर 15, तो 15 में से 25 घटेगा -10ab, यहाँ कितना आया -10, इधर भी -10, तो ab कट गया, कितना आ गया ab 1 ठीक है ना, तो ab बराबर क्या है 1 है ठीक है ना, ab बराबर क्या है 1 है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, चले आगे ओके। भाई साहब सुन पा रहे हैं ना, ab बराबर क्या है 1, चले आगे बंधु जन 1 है ना ठीक, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा रहा हूं,
ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का था मालूम, चल गया मालूम। ओके नेक्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 16। फाइंड करना है पहला क्वेश्चन रिलेशन। बस एक ही निकालो, खाली रिलेशन निकालो। मैं इसमें ऑप्शंस दे देता हूं, ए प्लस बी बराबर सी, दूसरा ऑप्शन ए प्लस सी बराबर बी, तीसरा ऑप्शन ए बराबर बी बराबर सी, चौथा ऑप्शन ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0। ऐसा है, बोली जरा। थर्ड आंसर ए बराबर बी बराबर सी, यस। क्या यही है बंधुजन, यही है? ओके सबका यही है, आगे चले। यहां देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ए भाई सुनिए ना, इसको देखकर आपको क्या लगा? देखिए सही सही एकदम अच्छा सोचिए, एकदम अधिकारी के वाकिफ है ना, जैसे बोलते अधिकारी जैसा, एज ए ऑफिसर, ठीक है ना, कि हम लोग सोचेंगे, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को उसके बाद, है ना। जैसे होता है ना कि एक चपरासी है और एक अधिकारी है या क्लर्क है ना, तो सबका जो है ना बस देखने का नजरिया अलग होता है। आदमी वो भी है, आदमी वो भी है, लेकिन जैसे कोई छोटा कर्मचारी होता है, काम करते रहता है, करता करता वहां से आता है अधिकारी, बड़ा अधिकारी कहता है ये गलत काम है, इसको यहां रखो, इसको यहां करो, इसको ऐसे करो, ऐसे नहीं होता, ऐसे करो। पहले बहुत मन से काम कर रहे थे सारे अधिकारी, सब जो छोटे बड़े कर्मचारी थे सब मन से काम कर रहे थे, कोई उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हम गलत काम करें। लेकिन अधिकारी आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्यों? वो उस तरीके से सोचते हैं, वो अपना उस तरीके से सोचता है, वो उस तरीके से। तो आप क्या बनने वाले हैं? अधिकारी। तो देखने का सोचने का तरीका भी अधिकारी जैसा हो, MTA जैसा नहीं। यहां देखो, ठीक है ना, आइए भाई साहब तैयार हैं सब लोग? देखिए बस नजरिया का हेरा फेरी है ना भाई साहब। सब हमने देखा ए प्लस बी प्लस सी, फिर देखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर हमें कोई जो है संबंध नहीं दिख रहा इसमें। हमको लगा एक काम करते हैं, हमने हमें इन सबको हमने कहीं देखा है, मुझे लगता है एक फार्मूला में देखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी में, कहा देखता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में ये भाई लोग दिखते हैं वहां पर, है ना। हमने कहा कि लगा ही दो, तो देखो मैं लगाता हूँ एक मिनट। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है ना, 2 × ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एनी प्रॉब्लम? नो। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया है? 4√3 का स्क्वायर। क्या दिया है? 4√3 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो। और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना दिया है? 16। क्या दिया है? यस, प्लस 2 × ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 × ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एनी प्रॉब्लम? नो। आराम आराम से देखिएगा, बिल्कुल आराम से, ठीक है। ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3 ना, 3 हो गया ना, 16 = 48, कितना हो गया? 48।
और ये 16 जाके माइनस कर दिया, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यस सर नो यस। तो ये देखो 16 माइनस कर दिया था, कितना जाएगा 32, कितना जाएगा, अब 32 में 2 से भाग दे दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना जाएगा 16। मैं ही लेता हूँ 16, दो बार क्यों लिखूं, है ना, इसका वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। ओके अब यहाँ गौर से देखिएगा प्लीज, एकदम आराम आराम से, अरे ये भी 16 है और ये भी 16 है, कहने का मतलब यह है कि स्क्वायर का सम 16 है और मल्टीप्लाई करके भी 16 है। तो मैंने आपको पहले सिखाया था कि स्क्वायर करके भी 16 आ रहा है और ए बी बी सी सी ए मल्टीप्लाई करके भी 16 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बी सी आपस में, मतलब यहां भी तो ए ए दो बार है, बी बी दो बार है, सी सी दो बार है, तो मल्टीप्लाई करके भी 16 आ रहा है, और यहां भी ए बी बी सी सी ए यहां से ही 16 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बी सी बराबर है। एक तो मैंने सिखाया था समझाया था, याद आ रहा है ना, नहीं आ रहा लगता है, इसे देख रहे हैं। एक काम करो अब बताओ मुझे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी सी है कि नहीं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बराबर है या नहीं, है ना बराबर, बोलो ना, है ना, ओके है, ये बराबर है तो उसको उधर ले आऊं, ले आऊं, आपको सिखाया था ऐसे भी सिखाया था ना कि दोनों बराबर तभी हो जब जब बराबर होंगे, है ना, और देखो विश्वास नहीं हो रहा है ना, विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो इधर ले आओ, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो। अच्छा इसका फार्मूला सिखाया था मैंने, याद है क्या सिखाया था इसका फार्मूला, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, याद है सबको, ये याद है, ये स्क्वायर जाकर उधर जीरो हो गया, 0/1/2 1 और 2 है ना, जीरो हो गया। अच्छा मैंने आपको ये सिखाया था किसी भी नंबर का स्क्वायर का सम किसका कभी जीरो नहीं होता, याद है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर का सम कभी जीरो, और हो गया तो यस, एक ही कंडीशन है कि ये जीरो होगा, मतलब ए बराबर बी होगा, बी बराबर सी होगा, सी बराबर ए होगा, डेट मीन्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, इसका मतलब है ए बी सी तीनों बराबर होगा, हाँ या ना, ओके ना, तो ऐसे करके तभी पॉसिबल है जब ए बी सी, तो कौन सा आंसर है थर्ड, क्या आप बना सकते हैं, ओके वेरी वेरी गुड, तो ऐसे करके हम बनाते हैं ए बराबर बी बराबर सी, कोई दिक्कत है क्या, कोई तकलीफ है, एकदम नहीं होगा जी मुझे मालूम है, इसे मिटा दूं, कोई तकलीफ नहीं, और ऐसे सबको पहले ही मालूम है ये तभी होगा जब ए बी सी बराबर होगा, बहुत लोगों तो फीलिंग पहली हो गया था यही हो सकता है कि नहीं, ओके वेरी गुड, अब इसे मिटा दूं, क्या आप समझ पाए, एक ऐसा दूं क्या, चलो एक देता हूं ऐसा, लो ज्यादा इच्छा तो एक बना के दिखाऊं, और एक इनके बीच में क्या संबंध है बताओ मुझे, ये सेम क्वेश्चन, क्या है इनके बीच में संबंध, इनके बीच का संबंध बताइए, हैं? हाँ वो तो सबको मालूम है कि क्या है संबंध, ए बी सी बराबर है, ए भाई साहब बातें नहीं करते, ठीक है ना, ए बी सी क्या है आपस में बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए फटाफट तेजी जल्दी जल्दी बनाइए, ये बहुत ही नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक, उड़ा देंगे सब लोग, पक्का पक्की, ठीक है, आगे चलें, सब लोगों ने छाप लिया, चलिए नेक्स्ट टाइप के लिए तैयार हो जाइए, आप ऐसा बना सकते हैं ना, मिटा दूं इसको, है ना, इसको आप जो सॉल्व किए होंगे तो कितना है? बराबर ही आ रहा है ना, ओके यहां से है √6 का स्क्वायर और यहां पर क्या है 2,
रूट्स का स्क्वायर सिक्स, सिक्स में से टू गया और ये बचेगा फोर, फोर में किस से डिवाइड कर देंगे, टू से, तो ये भी क्या आ जाएगा, टू। तो जब ये टू आ गया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये दोनों बराबर ही आ गया, तो तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी बराबर सी। समझ में आया भाई? ओके, बहुत अच्छा भाई साहब। चलिए बहुत अच्छा, ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, ठीक है ना। अब आगे चल रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा अलग टाइप शुरू करता हूं, ठीक है ना, डरिएगा नहीं। ये लीजिए, जल्दी आंसर बताइए ना, फास्ट फास्ट, क्या आंसर है? यस, पांच बटा में सात। देखते हैं आंसर आ गया पांच और नीचे में चार तीन सात, मालूम चला नहीं? ओके, अभी मैं सिखाता हूं। पहले आप क्वेश्चन छाप ली, हाँ देखिए, आप इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे कैसे? दो तरीके से, कैसे, सुनो मैं समझाता हूं, प्लीज आप देखिएगा। या तो जो एक लाइन में लिखा है इसको इस तरीके से बना लो, जैसे ये इक्वेशन लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का, है ना, तो या तो इसको भी ऊपर नीचे वाला बना लो, या फिर ये ऊपर नीचे वाला है उसका एलसीएम लेके वैसे इक्वेशन बना लो। दो तरीका, या तो इसको ऐसा बना लो या इसको ऐसा बना दो। दो तरीका, मैं दोनों तरीके से बनाकर दिखाता हूं, ठीक है ना। दोनों तरीका आप देखिए, देखिए सपोज एक तरीका से बना रहा हूं, साइड में देखो, देखिए जब इसको हम उसमें चेंज करेंगे, मतलब ऊपर नीचे वाले के रूप में, तो हम ऊपर नीचे तभी तो होगा जब डिवाइड करेंगे। ऊपर नीचे कब होगा? जब डिवाइड करेंगे, है ना। तो हम इसको उस फॉर्म में चेंज करने के लिए ऊपर भी एक से भाग दे देंगे और नीचे भी एक से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ऊपर नीचे के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी डिवाइड कर देंगे और नीचे भी डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, देखो ये कट गया, कितना आ गया, पांच। यहां दो बार एक्स था, एक एक्स कट गया, ये वन बाई एक्स है, इनको साथ में रखो। फर्स्ट और लास्ट का साथ कभी नहीं छोड़ते, फर्स्ट और लास्ट हमेशा साथ साथ, ठीक है ना। और ये क्या बच गया, प्लस का तीन। तो देखो आप देखो गौर से, इसका वैल्यू हाँ कोने में क्या दिया है, चार दिया है ना, तो चार प्लस तीन क्या हो गया, फाइव बाई सेवन, क्या आ गया, फाइव बाई सेवन आया ना। लेकिन आपको ऐसे नहीं, और जल्दी बनाना है, ठीक है ना, ये तो बहुत टाइम लग गया। समझ में आया भाई? एक से भाग दे दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर पांच हो गया, नीचे में एक्स और वन बाई एक्स, उसका वैल्यू चार दिया है और तीन जोड़ दिए, तो चार तीन सात, ठीक है ना, पांच बटा में सात। या तो इसको हम ऐसे बना दें या हम क्यों ना इसी को ऐसा बना दें, है ना। आइए सिखाता हूं, प्लीज ध्यान सुनिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहां पर हम एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा, एक्स, जरा गुना करो, एक्स स्क्वायर, और यहां क्या हो गया, वन बराबर फोर। यहां गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर, ये समझ में आया सबको, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर ये क्या हो जाएगा, फोर एक्स। और हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट और लास्ट हमेशा साथ, दुनिया जहान इधर से उधर हो जाए, फर्स्ट और लास्ट का साथ कभी नहीं छोड़ते, समझ में आया। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू क्या है, फोर एक्स। तो हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू फोर एक्स है ना, फोर एक्स, और प्लस में क्या लिखा है, थ्री एक्स, तो सब मिला कितना हो गया, सेवन एक्स। तो एक्स कट गया, क्या आ गया, फाइव बाई
सेवन। तो आप इसे बनाएंगे क्या? ना, तो बिल्कुल नहीं। हम देखते ही समझ जाएंगे पांच, तो ठीक है पांच लिख दिया। अब इसका वैल्यू यहां से देख, इतना एक्सपीरियंस क्यों हो रहा है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू क्या होगा? फोर एक्स। क्या होगा? फोर एक्स होगा ना, फोर एक्स, बस चार और तीन सात, ये हो गया फाइव बाई सेवन। ठीक, हम लोग देखते ही आंसर मारेंगे भाई साहब, को विश्वास नहीं हो रहा है। देखो हम एक देख दिखाता हूं आप कैसे मारते हो, ढाई सा बिना बनाए मारना। ठीक, लिख दू एकदम, देर नहीं करेगा, मारेगा आंसर ढाई सा। तैयार हैं सब लोग? ओके ना, यहां देखिए प्लीज, तैयार हैं? ए भाई साहब इधर देखिए, उड़ा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? उड़ाना है मालूम, और कैसे उड़ाना है? यस सही उत्तर, दाएं दाएं उड़ाना है। अभी मैं दूंगा और अब क्या करोगे? उड़ा देना आराम आराम से भाई, उड़ाने के लिए तैयार। मैं जैसे वहां लिखूंगा आप बारह में जोड़ दोगे उसको, है ना, है ना? फीलिंग हो रहा है कि नहीं बताओ पहले। एक स्क्वायर प्लस वन यहां से आएगा ना, एक स्क्वायर प्लस वन, और जो हम लिखेंगे ढाई है, ये हमने एट लिख दिया, हम थ्री बाय टू। क्या आंसर है? थ्री बाय टू। यस 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 यस, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या सबका आ गया? बोलो बोलो, आ गया ए भाई, आ गया। ठीक है ना, दिमाग लगा रहे हो? ठीक है, नहीं लगाते हैं एकदम नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वन, जब यहां एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर यहां कितना आ जाएगा? इसमें बनाना नहीं है, फिलिंग 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 करना है। क्या? फर्स्ट और लास्ट का साथ कभी नहीं छोड़ते। आठ बारह ट्वेंटी, थ्री बाई टू। क्या बना सकते हैं? ओके बिल्कुल बनाइएगा, वेरी गुड। इसे मिटा दूं, डरना बिल्कुल मना। एकदम जल्दी जल्दी आंसर, क्या आंसर है? दो, इतना देर लगाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई साहब? जल्दी बोलो फास्ट, क्या आंसर है? बनाते हैं क्या इसको? तो क्या करते हैं? उड़ाते हैं। वो कैसे? फर है ना, यहां देखो कैसे उड़ाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहां से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर, और दस दस में से चार गया, छह दूनी आ गया दो। कोई दिक्कत? नो। देवी और सजनो आया, बोलो ना, सबका है क्या? बोलो ना, ठीक है ना? डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना मना है। एकदम नर्सरी क्लास का टाइप है। यस, छोटा बच्चा, सही समझे भाई साहब आप। उड़ाइए जल्दी, इतना देर काहे लग रहा है? का है आंसर? इतना देर कितना आ गया? तीन बटा में चार, है ना? ओके, क्या सबका आ गया?
देवी और सज्जनों दाएं दाएं लाई, सबका आ गया। ओके ठीक है ना, सबका आया, मजा आया। ओके ना, चलिए यहां देखिए, सुनिए ना, मैं आपको तो ऐसे ही यहां पर उड़ा दूंगा। देखो ना, ये एक स्क्वायर का 3 गुना है, तो इसका 4 3 12 हो जाएगा, और 12 8 कितना हो गया, 20, तो आंसर क्या हो गया, 3/4। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, गलत बात, ऐसे देखते हैं, एलसीएम लो, एक स्क्वायर प्लस 1 = 4x, जानते हो ना, जानते हो कि नहीं बताओ। अच्छा बताओ, मैं आपको क्या सिखाया कि फर्स्ट और लास्ट का कभी साथ नहीं छोड़ते, समझ में आया? तो यहां से हम क्या करेंगे, इनसे 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बरा या प्लस में 8x है ना। तो यही तो मैंने कहा देवी और सज्जनों कि गौर से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या है, तो यहां 4x लिख देंगे, हाँ या ना। तो इसीलिए यहां 4 3 12 8 काटो काटो 3 4, हाँ या 3/4, यस और नो, यस आना ही चाहिए, मिटा दूं। तो याद रखेंगे, हमेशा कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को साथ कभी नहीं छोड़ना है, यदि कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, हाँ या यस, दाएं 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 दाएं। जैसे उड़ा देंगे ना, छोड़ेंगे तो नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, आराम आराम से भाई साहब, ज्यादा फीलिंग दिक्कत करेगा फिर। बोलो आंसर, ए भाई आंसर क्या है, 15/7 क्या आंसर है, आया सबका आंसर आया, ठीक है, वेरी वेरी गुड। कब पूछना चाहते हैं, कौन चाहता है, अरे कोई है क्या, कोई नहीं, आप हैं, ओ भाई साहब अकेले रह गए, चलिए इनको अकेले में हम स्वागत कर रहे हैं, बताएंगे जरूर। देखिए सबसे पहले बताइए कि क्या है ये 4 गुना, क्या है ये फीलिंग हो रहा है, क्या बनाने की जरूरत है, 4 गुना तो 5 चौके 20 में से 6 गया, बोलो ना, तो लिख दो ना, 15/7, क्या आपको तकलीफ है, ये दिखाई दे रहा 4 गुना है तो 4 गुना है, कौन सा पहाड़ तोड़ना, क्या भाई से बोले ना, समझ में आए भाई, ऐसे देख रहे हैं, समझ आ रहा ना, ठीक है, बताइए क्या, जय श्री राम। देवी और सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, फीलिंग हो रहा है क्या, बारिश के मौसम ज्यादा फीलिंग मत करना, दिक्कत हो जाएगा, बहुत मच्छर घुमल चले इधर उधर। चलिए भाई जल्दी फटाफट दे फास्ट, अरे आ गया क्या, क्या आंसर है,
कितना कितना बोलो कितना, 4/5 है सबका यही है क्या? 4/4 सबका है। चलिए वो तो हम बता ही देंगे। यहां देखो, सबसे पहले एलसीएम लो। क्या है एलसीएम? 2x। यहां गुना करेंगे तो 6x² + 1 = 5। ए भाई साहब, ये समझ में आया? 6x² + 1 = 5 × 2 = 10x। 5 × 2 = 10x। एनी प्रॉब्लम? नो। मैंने क्या सिखाया था? फर्स्ट और लास्ट का साथ क्या कभी छोड़ते हैं क्या? फर्स्ट और लास्ट का साथ कभी नहीं छोड़ते है ना। 6x² + 1 का वैल्यू क्या है? गौर से देखो क्या है, 10 और 5 = 15। क्या आंसर हो गया? 4/5। एनी प्रॉब्लम है? किसी को दिक्कत तो अपना हाथ उठा दे जरा, यहां से वहां तक है कोई? ठीक, यार नहीं उठाने तो बुला लेते अभी। ठीक है, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? देवी और सजनों बातें नहीं करते हैं। यहां देखिए, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि प्रश्न दिया रहता है और हम लोग देखते ही उड़ा देते हैं। मालूम, एकदम ध्यान सुनिएगा भैया जी, देखो उड़ा दोगे ना, छोड़ोगे तो नहीं, पक्का नहीं? हम देने जा रहे हैं भाई साहब, एकदम तैयार हैं सब लोग, सारे कैलकुलेशन बिल्कुल तैयार है, बस 8 में कुछ जोड़ेंगे जो लिखेंगे है ना, तो ये लो जोड़ दो फटाफट दो। वाह भाई साहब, क्या आंसर है? दो। बात क्या रहेगा भाई साहब, कुछ बोलो मत, अच्छा नहीं लगता ये तो, बिल्कुल मत बोलना। ठीक है, कैसा कैसा आदमी है। चलिए, क्या सबका आंसर आ गया? सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 3x² और यहां क्या है 2 = कितना हो जाएगा? 7x। एनी प्रॉब्लम? इसका वैल्यू 7 7 और 8 7 और 8। तो काटने में का शर्मा रहे हो, कटना दो आंसर। समझ में आया? मजा आया? अभी दोबारा मत बोलना, हमको बुलाना पड़े किसी को। चलिए, ये कहा हो गया। अब आपको हम एक छोटा सा बच्चा वाला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? अब आपको हम उल्टा करके दे रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन को उल्टा करके दे रहे हैं। कैसा आदमी है, खाली हंसना जानता है। देखो ये निकालना है ठीक हर बात में ही। चलो x + 1/x निकालना, ठीक? पहले वैसे था ना, अब ऐसे है, नहीं समझा? पहले इधर देते थे, ये निकालना था, लेकिन अब ये वैल्यू दे दिया और ये वैल्यू निकालना। मेरा कहने का मतलब समझ में आया? ठीक है, इसको भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, बताता हूं कैसे कैसे। सब तैयार हैं? एक तो देखो मेरा जो तरीका सिखाया, या तो इसको ऐसे बदल लो। बदल लेता हूं, एक ही तरीका देखो, हम इसको उस फॉर्म में ले आते हैं।
अच्छा, ये कोई इक्वेशन को ऊपर नीचे के फॉर्म में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई इक्वेशन है, ऊपर नीचे कैसे बनेगा? जब डिवाइड करेगा कैसे बनेगा? डिवाइड करेगा, वेरी गुड। तो किससे करेगा डिवाइड? एक्स से। तो करो ना, हमने ऊपर भी डिवाइड कर दिया और नीचे। मैं आपको पूरा डिटेल सिखा रहा हूं, पहला तो बहुत डिटेल है ना। ये कट गया, कितना आ गया? एक्स। और ये पहला और लास्ट का साथ कभी छोड़ते हैं क्या? कभी नहीं। आप बहुत समझदार हैं जी, आप मन की बात समझ जाते हैं ना तुरंत। तो मैंने फर्स्ट लास्ट को हमेशा साथ कर लिया। किसी को दिक्कत बंधुजन? किसी को दिक्कत है क्या? नो। और ये क्या है? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री बराबर पान दूनी। तीन माइनस करना भाई। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर आया। ठीक है, अब आपको ऐसे थोड़ी करना है, फीलिंग क्या? ऐसे पांच दूनी दस, दस में से तीन गया सात, आंसर। ऐसे काका बब्बा हुआ कर रहा है देखो। अरे पांच दूनी दस, पांच दूनी, पांच दूनी। इनको तो छोड़ ही दो, फर्स्ट और लास्ट को तुम छोड़ ही दो, दम बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये कभी अलग हो ही नहीं सकते, हमेशा साथ साथ है ना। तो बस पांच दूनी दस, यही जाएंगे उधर, दस में से तीन गया सात, यही आंसर हो गया। समझ में आया? आ गया, चुप रहो। ठीक, ये समझ में आया? हम देखो अभी तुम बहुत देंगे हम किलो के भाव से। यहां देखो, बदमाशी मत करने तो बुला ही लेंगे हम। तैयार? दे दूं? दे दे भाई। भाग गए तो भाई साहब, भाग गए। अभी हम लिखने जा रहे हैं और आप क्या करने जा रहे हैं? मैं अभी नहीं लिखूंगा, पहले ये लिख देता हूं, ये फाइंड करना, पहले ये लिख लो। अब लिखता हूं, तैयार रखना, ठीक है ना? अभी पहला बार तो ऐसे सिंपल देता हूं, ऐसे सेम टू सेम देता हूं, बताओ। 7 21 प्लस 5, अरे वाह, ये भी बोल दिया, 21 प्लस 5 है ना, क्या सबका आ गया? ठीक है, खोपड़ी तो नहीं लगा रहा है, लगाना ही मत, खराब हो जाएगा, बनेगा भी नहीं, चाइना कमाल है। चलिए, तो हमने कहा 7 3 21 और 5, 21 और 5 आंसर, एनी प्रॉब्लम? नो। क्या आपको तकलीफ है? होगा तो दूर करा देंगे, तो टेंशन मत लो, अभी आराम आराम से, छुट्टी का नाम मत लेना, अभी बहुत टाइम है, ये टाइम खत्म करेंगे तब ना। ठीक है ना, तैयार हैं सब लोग? ठीक। ए भाई साहब, दिखाई दिया? दे दूं? अभी हम लिखने जा रहे हैं देवी और सज्जनों, गौर से देखिएगा। कैसे देखना है आपको? तो लो दे दिया। अरे दो का झाल बजाना है, छह आंसर है, इतना कंफ्यूज होता है, क्या सबका आ गया? अरे बोलो ना, आया? नहीं, पहला बार ऐसे ही होता है, पता नहीं क्या हो गया है ना, मैं सिखाता हूं ना, देखो। ए भाई साहब, ए भाई साहब, यहां देखिए, सबसे पहले काट दीजिए, क्या कीजिए? मैंने काट दिया, और ना कटे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? यहां पर कट रहा था तो मैंने सदुपयोग किया, आगे मैं दूंगा, नहीं भी कटेगा तो जबरदस्ती है कटना, है कि नहीं है?
मतलब कटेगा तभी कटना, ठीक। और ऊपर भी एक से भाग देंगे और बोलो ना नीचे भी। चलो यहां अभी तो कट गया, अब गुना करो, 3 3 9, ये एक्स प्लस 1/x, यहां क्या बचेगा 3। मैंने कहा था फर्स्ट और लास्ट का साथ कभी नहीं छोड़ते, 3 3 9, 9 में से 3 गया, क्या बचा? अरे बोलो ना हाँ या ना, 6 आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे करके एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, एनी प्रॉब्लम? नो, ओके, वेरी वेरी गुड। ए भाई आया मजा, अभी पूरा आएगा, टेंशन मत लो। अच्छा निकालना क्या था, लिखा नहीं था? फाइंड एक्स प्लस 1/x, फीलिंग लगी इतनी तगड़ी है कि वही निकाला तुम लोगों ने, है ना। ये लिख लेना भाई, है ना, बिना दिए निकाल दिया तुम लोग, क्वेश्चन लिखा नहीं, आंसर आ गया। क्या फीलिंग है भाई, मानना पड़ेगा। ओके, कोई जवाब नहीं है आपकी फीलिंग का? तैयार? अरे देखो ना, हो गया क्या तैयार? ये लो मैंने दे दिया। आया 3 भाई, ओके। सिद्धांत पर चलो, कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जैसा प्रोसेस है उसी के आधार पे चलिए। कोई पूछना चाहते हैं प्लीज उठाइए हाथ। देवी और सजनों जाते हैं, अरे काहे चाह लिए जी आप। सबसे पहला बार काटो एक्स ऊपर नीचे, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ये जो हमने क्या समझ में आया कि नहीं, मतलब आप काट देना, आप मिटाना मत, हम मिटा दिए, अब अपने कब्जे में काट लेना, ठीक है ना। एक्स मैंने काट दिया, किसी को दिक्कत है तो बता दो, बता दो, है तो है नहीं है? फिर क्या बोला मैंने, फर्स्ट और लास्ट का साथ कभी छोड़ा है क्या किसी ने? कभी मत छोड़ना। ये 2 से गुना कर दो, और 3 2 9, और यहां 3 3 9, ये समझ में आए सबको? निकालना क्या तो मालूम है आपको ना, वो अंडरस्टूड है ये चीज, है ना, ओके, समझ रहे हैं सब लोग? हाँ, 3 3 कितना हो गया 9, ठीक है ना। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यस, उधर 9 में से 6 गया 3, तो एक्स प्लस 1/x कितना हो जाएगा 3/2, एनी प्रॉब्लम? नो। तो ऐसे करके एक्स प्लस 1/x 3/2, एनी प्रॉब्लम भाई? नो। उड़ा देंगे ना, और हम लोग ऐसे थोड़ी बनाएंगे, इतना समझदार हो हैं, पढ़े लिखे हैं। 3 3 9, 3 2 6, बच गया 3, जो ध्यान 2 से गुना करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा, 3/2 आंसर। तो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एक्टिविटीज को, उसके आधार ही पर आंसर आएंगे ना। यहां देखो, अभी जाना मत, रुक जाओ। ए भाई साहब, क्या आपको दिखाई देता है? देखने में तो कोई दिक्कत नहीं, दे दूं? बिल्कुल ऐसा ही देता हूं भाई साहब, डरिएगा नहीं, डरना मैंने बचपन में कहा था, मना है, बोलिए। पगला, प्लस हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15 30, 30 डिवाइड बाई, है ना, नहीं समझ में आया? इसमें 5 से गुना करेंगे 15, यहाँ 5 से कितना 15, तो ये 15 और ये 15 कितना हो गया 30, और ये 5 इसमें गुना तो 5 से भाग हो गया 6, ये रहा 6, क्या ये नहीं रहा? ठीक है, निकालना क्या होगा मालूम है ना, ये आप समझ जाइएगा, यही निकालना है, ठीक। कोई पूछना चाहते हैं? आप चाह लिए भाई साहब, बहुत चाहते हैं जी आप। देखो,
एक से भाग दो, ऊपर भी नीचे भी, हाँ या ना? इनके साथ पांच मल्टीप्लाई करो, 5 × x + 1/x − 15, हाँ या ना? 5 से इसमें गुना करो, कर दिया ना? और यहां 5 से करो कितना हो गया, 15। तो 15 15 15 15 15 15 इधर आके 30 हो गया। ठीक, समझ में आ गया? अब भाग दे दो, कितना हो गया? तो x + 1/x का वैल्यू कितना है, 6। तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं? चलें आगे ना, एक छोटा सा क्वेश्चन। नहीं, ऐसे कीजिएगा, चलो ज्यादा छोड़ देता हूँ, कल टेस्ट है आपका, लेकिन ध्यान रखिएगा, है ना? ओके, प्रेजेंटेशन क्लास 1:30 बजे से कल है, ठीक है ना? 1:30 बजे से कल, थोड़ा लेट है प्रेजेंटेशन। ओके, बाय।